मसीह के नाम में सबको सलाम। जय यसूदी हर शय यसूदी। तो दोस्तों, दुनिया में आजकल देखें मुश्किलें इतनी बढ़ गई हैं, बहुत सी बढ़ गई हैं, क्योंकि कई मुल्कों में देखा जाए वहाँ पे लाइट नहीं है, और देखा जाए वहाँ पे जॉब नहीं है, पैसे नहीं है, चीज़ें महंगी हो गई हैं। जो पुराने वक्तों में, पहले वक्तों में थी, वो इतने रेट ऊपर चले गए हैं, क्योंकि बहुत से मुल्कों में देखें हालात ख़राब हैं। कई मुल्कों में जंगें लगी हैं, सप्लाई का शॉर्टेज है, कहीं पे सप्लाई कुछ बन नहीं रही। वो चीज़ें जो हम पहले लिया करते थे, अब वो आनी बंद हो गई हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आनी बंद हो गई हैं, वो मिल नहीं रही, और दुनिया भी परेशान है, और कमाई के ज़र्रे भी, जो ज़रात के होते हैं, जो ज़र्रा एक कमाई का, कमाने का काम करके उसके बाद सैलरी लेने का, वो बहुत मुश्किल हो गया। सैलरी कम आती है और चीज़ें महंगी हो गई हैं। दोस्तों, आप खुद देखें, खबरें देखें, ये देखें, और ये आखिरी वक्तों में बताया गया था, और अभी इससे भी ऊपर जाएगा। तो दोस्तों, इससे भी ऊपर होने से पहले आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि जीसस आने वाला है, जीसस की दूसरी आमद होने वाली है। वो आमद होने से पहले दोस्तों, आप जो भी जीसस को कबूल करेगा, क्योंकि बाप ने बेटे को भेजा था इस काम के लिए, एक मिशन के लिए, हमें दुनिया को सुधारने के लिए और हमें बचाने के लिए, और वो पाक भर रहा था, उसने देखे आके दुनिया में हमारे लिए अपने आप को कुर्बान किया, स्लीप पे कुर्बान किया, उसका कोई गुनाह नहीं था। तो दोस्तों देखें, वो वक्त था, और अब वक्त दूसरी आमद, वो पहली आमद थी, अब ये दूसरी आमद है। दूसरी आमद से पहले जो भी मसीह को कबूल करेंगे, जो भी अपने गुनाहों को मसीह को कबूल करके गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे, उससे गुनाह कबूल माफ़ करवाएंगे, वो ही बचेंगे। नहीं तो जैसे नूह के ज़माने में हुआ था, पहले सब खा रहे थे, पी रहे थे, शादियाँ कर रहे थे, और गलत से गलत काम भी कर रहे थे, और देखें बारिश बरसी, तूफान आया, फ्लड आया, कश्ती उठ गई, उसके बाद वो सब उसी में डूब के मर गए, और मरने से पहले वो गिड़गिड़ाते होंगे, छाती पीटते होंगे। इसी तरह ये होने वाला है, और ये तो आग, गंदक की आग, तो जो कबूल नहीं करेगी उनको भी मिलेगी, और आग आसमान से भी बरसेगी। और इतनी टेक्नोलॉजी जो इंसान ने बना ली है अपने लिए, मौत खरीदी है, यही सब टेक्नोलॉजी, सिर्फ ये जैसे आप एक आग के ढेर पे बैठना, इसी तरह ही है। तो क्योंकि वो जो टेक्नोलॉजी है, जहाज़, कंप्यूटराइज, बहुत सी ऐसी चीज़ें, इलेक्ट्रिक वाली गाड़ियाँ, फ्लाई वाली गाड़ियाँ, जो सब हैं, उन्होंने आपस में वही बर्बाद होंगी आपस में, और जो एक आग ऊपर से बरसेगी, तूफ़ान, और जो भी नूह के ज़माने में तो तूफ़ान था, आग का तूफ़ान होगा, आग बरसेगी। तो दोस्तों, ये होने से पहले जो मसीह की दूसरी आमद से पहले अपने आप को तैयार करेंगे, अपने आप को मसीह के हाथ में देंगे, उसे कबूल करेंगे, और उससे अपने गुनाह बख्शाएंगे, तो वो अबद की जिंदगी पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह।